गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ इज केमिस्ट्री टीचर एलएफसीएस सुरेंद्रनगर पटना बस्ती। वी शुड डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एसिड। एसिड क्या है ये याद रखिएगा, द सब्सटेंस व्हिच फर्निशेस एच पॉजिटिव आयन इन सोल्यूशन। कोई भी सब्सटेंस अगर एच पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, सोल्यूशन में रिलीज कर रहा है, तो क्या होगा, एसिड होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं HCl, एच पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। एच पॉजिटिव क्या कर रहा है, एच प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। H2SO4 gives out 2H positive plus sulfate negative negative। H positive release कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, acid है। HNO3 gives out H positive plus NO3 negative release कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, acid है। H3PO4 थ्री टाइम्स एस पॉजिटिव प्लस PO4 ट्रिपल निगेटिव। एच पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये सब सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन में ले जाने के बाद एच प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं, और रिलीज करने का मतलब ये क्या हुआ कि ये सब क्या है, आपस आल आर एसिड, ये आल आर एसिड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट बेस। बेस क्या है, इसको भी नोट कर लेंगे। द बेस द सब्सटेंस व्हिच फर्निशेस OH नेगेटिव आयन इज नोन एज बेस। जो सब्सटेंस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन को क्या करेगा, फर्निश करेगा, उसी का नाम क्या होगा, बेस होगा। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं KOH, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। COOH twice, Ca plus 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 two times OH नेगेटिव। आप देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सब क्या है, ये बेस है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, Mg whole twice of OH, Mg plus 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 two times OH negative, तो ये भी हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो भी सब्सटेंस क्या होता है, सोल्यूशन में OH नेगेटिव को क्या करेगा, रिलीज करेगा, वो सब क्या होंगे, बेस होंगे। इसके बाद आप साल्ट की स्टडी करेंगे। साल्ट, तो साल्ट का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है आपका, NaCl, जिसको आप आयनाइज करेंगे, आयनाइज याद रखिए वाटर में होगा, तो ये Na पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव। ये आयनाइजेशन याद रखिएगा वाटर में होता है, तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव।
ये आप देख रहे हैं, अगर ये वाटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ HCl ये NaOH बनाएगा, ये HCl बना, NaOH बना, इसका मतलब ये एसिड से एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो आप साल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन कौन होता है, साल्ट होता है। नेक्स्ट और दूसरी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं NaCl, NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यानी जो पॉजिटिव आ रहा है बेस, ये बेस है तो बेस से क्या निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है, और ये Cl नेगेटिव ये एसिड से आ रहा है, तो इसको दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस कैटायन एंड एसिड एनायन। बेस कैटायन और एसिड एनायन की कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसी का नाम क्या होता है, साल्ट होता है। तो ये साल्ट का डिफिनेशन है, याद रखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे आपके पास है CaCl2, ये साल्ट है, किसका साल्ट है ये आप आयनाइज करेंगे तब पता चलेगा। तो Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2 times Cl निगेटिव, ये रिएक्शन याद रखिएगा वाटर में हो रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव, इसको आप मिलाएंगे तो ये बनेगा HCl, ये आप मिलाएंगे तो ये आपका बनेगा CaOH, होल ट्वाइस ऑफ OH, ये आपका साल्ट। आपको समझ में आया होगा कि HCl और CaOH के होल ट्वाइस से बना है, तो आप यहां लिख सकते हैं CaCl2 इज द साल्ट ऑफ HCl एंड CaOH का होल ट्वाइस, CaCl2 इज द साल्ट ऑफ HCl एंड CaOH का होल ट्वाइस, तो ये आप लिख सकते हैं। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने ले लिया AlCl3 ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 times Cl निगेटिव, ये रिएक्शन वाटर में हो रही है, तो ये आपका H पॉजिटिव हो जाएगा, OH निगेटिव हो जाएगा, इसको आप मिलाएंगे तो ये Cl देगा, इसे कंबाइन करेंगे तो ये आपका Al OH का होल ट्वाइस। इस साल्ट का नाम आप लिख सकते हैं AlCl3 इज द साल्ट ऑफ HCl एंड AlOH का होल ट्वाइस, तो ये आपका रहा साल्ट। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।